हेलो गाइस सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंडेंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंडेंसर के बारे में पता होना चाहिए सो so, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम हमें मिलेगी उसको हमें फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है एंड पंप के थ्रू हमें फिर से फीड वाटर बॉयलर में फ्लो कराना है सो so, हमें ये स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर का यूज करना पड़ेगा नाव कंडेंसर के दो टाइप्स हैं जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर जेट कंडेंसर में क्या होगा द एग्जो स्टीम एंड कूलिंग वाटर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक वेसल हमारे पास अवेलेबल है उनमें जो हमारी स्टीम है जिसको हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है वो एंड कूलिंग वाटर जिसकी मदद से हम स्टीम को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे उन दोनों को एक वेसल में मिक्सअप किया जाएगा एंड हीट एक्सचेंज होने के कारण जो हमारी स्टीम है जो वाटर गैसेज फॉर्म में अवेलेबल है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आउटलेट में हमें दोनों का मिक्सर मिलेगा जो मिक्सर में जिसे कंडेंसेट कहा जाएगा यानी कि जो एग्जो स्टीम है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे कंडेंसेट कहा जाता है बट अगर इस जेट कंडेंसर में देखा जाए तो आउटलेट में हमें दोनों का मिक्सर मिलेगा कूलिंग वाटर एज वेल एज एग्जो स्टीम क्योंकि उन दोनों का मिक्सअप होने के कारण वो दोनों ही हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों साथ में मिलेंगे एंड अगर देखा जाए द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड द कूलेंट इज सेम वाइल लिविंग द कंडेंसर सो अगर कंडेंसर के आउटलेट में देखा जाए तो दोनों हमें कूलिंग वाटर एज वेल एज जो हमारी स्टीम थी जो फिलहाल लिक्विड चेट में कन्वर्ट हो चुकी है उन दोनों का सेम टेम्परेचर आउटलेट में मिलेगा एंड देन हम उसको बॉयलर में फिर से फीड करेंगे ओके okay? बट अगर देखा जाए तो बी इम्प्योरिटीज ऑफ द कूलन जो हमने यहाँ से कूलिंग वाटर सप्लाई किया है अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी उसमें कुछ मिनरल्स डिपोजिट्स अवेलेबल होंगे तो वो क्या करेगा बॉयलर्स की जो ट्यूब है वहाँ पर कोरोजन हो जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सो so, वहाँ पर रस्ट लग जाएगा वहां पर जंक लग जाएगा सो so, यहाँ जो बॉयलर्स की ट्यूब्स है उसमें जंक लगने के चांसेस है अगर उसमें कुछ मिनरल्स डिपोजिट्स होंगे तो सो तो अगर हमें ये कंडेंसेट यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कूलिंग वाटर को हमें वहाँ पर उसमें कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जो भी मिनरल्स डिपोजिट्स है जिसके कारण रस्ट होने के चांसेस है वो एलिमेंट को हमें दूर करना पड़ेगा सो so, तभी हम जेट कंडेंसर के थ्रू आउटलेट में जोन मिलेगा कंडेंसेट उसको एज अ फीड वाटर यूज़ कर पाएंगे क्योंकि अगर यहाँ कूलिंग वाटर में कुछ सोल्ट कंटेंट होगा तो भी क्या हो सकता है कि वहाँ स्केल फॉर्मेशन होने के चांसेस है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो ये सारी ट्यूब्स है वहाँ अंदर कुछ स्केल फॉर्म हो चुका है जिसके कारण ये हीट ट्रांसफर रेट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा अगर यहाँ इस तरह बॉयलर में देखा जाए तो यहाँ ट्यूब्स में अंदर अगर कुछ स्केल फॉर्म हो जाएंगे जिसके कारण जो फ्लू गैसेस की जो हीट एनर्जी है वो हम वॉटर में यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे सो इस स्केल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए जो सॉल्ट कंटेंट है उसको भी हमें बाहर निकालना है सो सबसे पहले जो वाटर हम यूज़ करेंगे एज ए कूलिंग वाटर उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है सो यहाँ पर कुछ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करने के लिए तभी हम यहाँ से बाहर निकलेगा कंडेंसेट उसका हम यूटिलाइज कर पाएंगे उसको डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे एज अ फीड वाटर इन अवर बॉयलर सो ये हुआ जेट कंडेंसर जहाँ पर हमें वॉटर एंड जो हमारी स्टीम है उन दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाकर हमें इस स्टीम को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है नाउ अगर सेकेंड टाइप देखा जाए तो वो है सरफेस कंडेंसर जहाँ पर कूलिंग वाटर फ्लोस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जहाँ पर जो हमारा कूलिंग वाटर है वो ट्यूब्स में से फ्लो होगा एंड हमारी एग्जोस्टीम है जो स्टीम है जिसको हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है विच इज़ पास्ड ओवर दिस ट्यूब्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल अवेलेबल है जो ट्यूब्स दिखाई दे रही है उसमें से हमारा कूलिंग वाटर फ्लो करेगा सर्कुलेट करेगा एंड उसके सराउंडिंग में हमारी जो एग्जो स्टीम है जिसको हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे फ्लो किया जाएगा एंड हीट ट्रांसफर होने के कारण जो हमारा स्टीम है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड हमें एज ए कंडेंसेट के फॉर्म में आउटलेट मिल जाएगा वेल well, यहाँ पर मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ जो कूलिंग वाटर जो हम सप्लाई करेंगे यहाँ पर जैसे ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है इस तरह से ट्यूब्स में से वाटर फ्लो करेगा ओके okay, एंड ये मैक्सिमम कॉन्टेक्ट में आएगा हमारी स्टीम के जिससे जो स्टीम का टेम्परेचर वो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा एंड इन द एंड वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर से वही हम जो वाटर है उसको कंडेंसेट के बाहर आउटलेट में हमें लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेट निकलेगा एंड देन पंप के थ्रू बॉयलर में सप्लाई करेंगे ओके okay, तो ये मेन इसका एडवांटेज रहेगा सरफेस कंडेंसर का क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे जो वाटर कूलिंग वाटर एंड हमारी स्टीम जिससे स्टीम में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे सो so, ये काफ़ी एडवांटेज है इसका कंडेंसेट री यूज टू फीड वाटर टू द बॉयलर हम इजीली जो हमें कंडेंसेट मिलेगा उसको यूज़ कर पाएंगे एज अ फीड वाटर क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है एंड द स्टीम गेट्स कंडेंस ड्यू टू द हीट बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। सो जैसे ही ये मेन एडवांटेज रूप रहेगा हमारा सरफेस कंडेंसर अगर इन दोनों को हमें इजीली डिस्टिंगइज करना है तो कांटेक्ट के थ्रू कर सकते हैं जो सरफेस कंडेंसर है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हम स्टीम को लिक्विड सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट जो जेट कंडेंसर है वहां हम डायरेक्ट कांटेक्ट में जो हमारी स्टीम है वो कूलिंग वाटर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आकर जो हमारी स्टीम को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है सो so, इजीली हम याद रख सकते हैं जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर एंड ऑल द बेस्ट गाइज